अच्छा जी, हम कर रहे थे द डेफ चाइल्ड, और उसमें मैंने आपको कहा था कि हमारे डेफ चाइल्ड में से जो हमारा एसी क्यू आया करता है वो अगेन एंड अगेन एक ही रिपीटेड एसी क्यू आता है, जिसमें वो सिनेरियो बना के ये देते हैं कि एक मदर थी जो अपने एक बच्चे को लाई, जो कि दो तीन डिफरेंट दफ़ा जो आए हुए उसमें सिनेरियो में डिफरेंट बातें उन्होंने की हुई हैं। उन्होंने कहा हुआ, एक दफ़ा कहा हुआ कि 6 महीने के बच्चे को लाई और उसे सस्पिशन था कि बच्चा जो है वो रिस्पॉन्स नहीं करता आसपास की इन्वायरमेंट की साउंड को, उसे चेक करें तो आप उसे इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे और उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट क्या करेंगे, ठीक है। तो उसमें आपने जाहिर सी बात है जो रिस्पॉन्स नहीं करता वो डेफ चाइल्ड में आएगा, और आपने जो इसकी इन्वेस्टिगेशन करनी है वो चाइल्ड की एज के हिसाब से करनी है। अभी मैं आपको बताऊंगी असेसमेंट ऑफ हियरिंग इन इन्फेंट सारा डिटेल में, इसमें आपने सारे प्रोसीजर्स लिखने होते हैं जो उसकी एज के हिसाब से उस पर फिट हो रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे जो सिनेरियो आता है उसमें वो कहते हैं कि बच्चा जो मदर लाई थी वो 3.5 साल के बच्चे को लाई थी और उसने कहा कि ना ये बोल रहा है और ना ये सुनता है, लाइक उसे सस्पिशन थी, तो जाहिर सी बात है 3.5 साल के बच्चे के लिए जो टेस्ट होंगे वो 6 महीने के बच्चे के टेस्ट से थोड़े से डिफरेंट होंगे। तो आपने कोई सारे टेस्ट आने चाहिए ताकि कोई भी एज ग्रुप हो आ जाए आपके सिनेरियो में, आपको पता चल जाए कि आइदर आपने कौन सा टेस्ट अप्लाई करना है कौन सा नहीं करना है। दे आर वेरी इजी, ठीक है। मैं भी आपको निमोनिक भी एक बताती हूँ इनको याद रखने का, एंड यू विल लर्न देम, ठीक है। सबसे पहले इवेलुएशन हमें कब करनी होती है एक डेफ चाइल्ड की, जाहिर सी बात है सस्पिशन और जब हियरिंग लॉस का। मां नॉर्मली ये होता है कि मदर ही को सबसे ज्यादा पता चलता है कि भाई बच्चा या तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता इन्वायरमेंटल साउंड पर, या तो वो ये डिटेक्ट करती है, या फिर 1-2 साल की उम्र में जब बच्चे को बोलना चाहिए तब वो स्पीच नहीं डेवलप कर रहा। तो ये दो मेन चीजें होती है जिनके साथ सस्पिशन के साथ मदर्स लेके आती है अपने बच्चों को, और उसमें फिर हमें हियरिंग लॉस का खतरा होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने आपको जितने कॉजेज बताई हैं अगर उनमें से कोई भी एक कॉज प्रेजेंट होगी तो जाहिर रिस्क फैक्टर होगी। सपोज फैमिली हिस्ट्री है, सपोज कोई ऑटोटॉक्सिक ड्रग इस्तेमाल की गई है, लो बर्थ वेट है, प्री मेच्योरिटी है, या फिर उसको नियोनेटल जॉन्डिस था जो ज्यादा सवेयर हो गया, कोई बैक्टीरियल मेनिनजाइटिस हुआ, कोई और सेप्सिस हुआ, कोई और इन्फेक्शन हुआ, तो दीज ऑल विल लीड टू द कॉजेज हेयरिंग लॉस, कॉज ऑफ हेयरिंग लॉस हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो अगला जो मेन टॉपिक है हमारा कि असेसमेंट ऑफ हेयरिंग लॉस इन इन्फेंट्स, कि अगर एक बच्चा हमारे पास इस सस्पिशन के साथ आया है तो हम उसका असेसमेंट उसकी किस तरह से करेंगे, ठीक है। आपने याद रखना है कि इसमें हमारे 5 तरह के जो मेजर टेस्ट के ग्रुप्स होते हैं वो ये 5 होते हैं, जिसको आपने हमेशा अपने जहन में रखना है। साब DCO, ठीक है। SB इज यूज फॉर साहब, नहीं हम उर्दू में कहते हैं उसका नाम, उसके लिए हम शॉर्ट वर्ड SB यूज करते, तो साब DCO, तो आपने ये। अच्छा, इससे बनता क्या है, इससे आपका 5 जो मेन टेस्ट है, एस स्टैंड्स फॉर स्क्रीनिंग टेस्ट, ठीक है। बी स्टैंड्स फॉर बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, लाइक जो आपके उसमें बिहेवियरल रिस्पॉन्स देखेंगे बच्चे में। डी स्टैंड्स फॉर डिस्ट्रैक्शन टेस्ट, सी से हमारे होते हैं कंडीशनिंग टेक्निक्स, एंड ओ से होते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ठीक है। ये सारे टेस्ट बहुत आसान है, सिर्फ नाम थोड़े इनके हैं जो आपने याद रखने, वरना कोई मुश्किल बात नहीं। मैं अभी आपको सारों को बताऊंगी, दे आर वेरी इजी टू लर्न, ठीक है। ये आपने SB साब DCO याद रखना है, आपके ये मेन टेस्ट होते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर। स्क्रीनिंग प्रोसीजर हमेशा अप्लाई किए जाते हैं हाई रिस्क इन्फेंट्स में। हाई रिस्क इन्फेंट्स वही हैं जिनमें रिस्क फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और देखा जाता है कि आइदर उन्हें हेयरिंग लॉस है या नहीं है, ठीक है। हमारे यहाँ जो है वो सिर्फ हाई रिस्क में भी अप्लाई नहीं किए जाते, बाहर के मुल्कों में तो हर बच्चे में ही कर लिए जाते हैं, लेकिन हमें देखा गया है कि हाई रिस्क इन्फेंट्स में से भी 95% बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें कोई मसला नहीं होता, और 50% जो हेयरिंग लॉस के बच्चे होते हैं उनमें कोई रिस्क फैक्टर प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। इस वजह से रिस्क फैक्टर का होना या ना होना इज़ नॉट अ ज़रूरी थिंग, ठीक है, वो नेसेसरी नहीं है। ज़रूरी ये बात है कि उसमें हेयरिंग लॉस है या नहीं। अच्छा, अब हमारे पास स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स में से पहला हमारे पास है ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस, ठीक है। ये OAE स्टैंड करता है, OAE निमोनिक जो है ना आपका, ये यूनिवर्सल निमोनिक है और इससे ये आते हैं, इसलिए आपके जहन में होना चाहिए। इट स्टैंड्स फॉर ऑटो अकाउस्टिक एमिशंस। बहुत सिंपल सी बात है, आपको पता है आपके इनर ईयर में प्रेजेंट होते हैं हेयर सेल्स, ठीक है, जिनमें आपके आउटर हेयर सेल्स हैं और आपके इनर हेयर सेल्स हैं। ये बात हमने आपकी इनर ईयर के एनाटॉमी में पढ़ी हुई है, ठीक है। तो उनमें से हमारे पास ये जो ऑटो अकाउस्टिक इमिशन हैं, बेसिकली क्या करते हैं, आपको पता है इनर हेयर सेल्स से जो साउंड वेव्स जनरेट होती है वो आपके बेसिकली जाती हैं अंदर की तरफ, और वो आपकी लाइक आपकी जो नर्व है उसके थ्रू चली जाती है टुवर्ड्स योर ब्रेन, ठीक है, वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व के जरिए। जबकि जो आपके आउटर हेयर सेल्स हैं, मैं बहुत सिंप्लीफाई तरीके से बताऊँ, तो उससे जो आपके रिस्पॉन्स जनरेट होते हैं जब भी वो किसी साउंड से एक्टिवेट होंगे, जाहिर सी बात है कोई साउंड आएगी तो आपके सेल्स एक्टिवेट होंगे। तो आउटर हेयर सेल्स की जो एनर्जी है वो ट्रांसमिट होती है बैकवर्ड्स डायरेक्शन में। बैकवर्ड्स किस तरह, इनर ईयर से पीछे मिडल ईयर में, उससे पीछे आपके एक्सटर्नल ईयर में। तो हम क्या करते हैं कि हम अगर एक पेशेंट को एक साउंड देते हैं तो जाहिर सी बात है उससे आउटर हेयर सेल्स की ये इमिशंस जनरेट होंगी। उसके बाद हम एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं आपके एक्सटर्नल ईयर में जो डिटेक्ट करता है कि क्या ये साउंड्स आ रही हैं आउटर हेयर सेल से या नहीं आ रही। एक पर्सन जिसमें आउटर हेयर सेल्स या इनर हेयर सेल्स, इनमें से कोई भी सारा आपका इनर ईयर का सिस्टम अगर एबनॉर्मल होगा तो उसमें ये आपकी साउंड्स
नहीं आएंगी, हेयरिंग लॉस है। या फिर वो क्यों नहीं आ सकती, अगर रास्ते में कोई मसला है, अगर मिडल ईयर आपका पस से भरा हुआ या कोई और मसला है इसमें, तो भी हमारे पास ये हेयर सेल्स ट्रांसमिट होके नहीं आएंगी। या फिर अगर एक्सटर्नल ईयर में कोई पस या कोई बहुत बड़ा सा ट्यूमर है या कोई ऐसी चीज़ है, तो भी ये साउंड सेमिट होके नहीं आ सकती। लेकिन मिडल ईयर या एक्सटर्नल ईयर की चीज़ आप पहले देख लेते हैं, लाइक वो आपको नज़र आ जाती है, और मिडल ईयर में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो 3-4 दिन में या कुछ अर्से में सेटल कर जाता है या फ्लक्चुएट तो करता है कम से कम। लेकिन अगर आपका मुसलसल एक ही तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है कि आउटर हेयर सेल से आपकी जो आउटर कोस्टिक इमिशन है वो जनरेट होकर नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका मसला इनर ईयर में ही है। लेकिन अब इसमें एक चीज़ प्रॉब्लम होती है कि ये कब चीज ऑटो अकोस्टिक एमिशन जो है वो किस चीज़ में आपको मिल रही होती है, लेकिन हेयरिंग लॉस का मसला वहाँ पर प्रेजेंट होता है, वो तब होता है जब आपका मसला हो आगे वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व में। अगर आपकी 8th क्रेनियल नर्व यानी आपकी वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व में प्रॉब्लम है, तो आउटर हेयर सेल्स तो एक्टिवेट होंगे, साउंड आएगी, आउटर हेयर सेल्स एक्टिवेट होंगे, इनर हेयर सेल्स भी एक्टिवेट होंगे, अपनी अपनी जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करेंगे, लेकिन आगे नर्व कैरी करके नहीं लेके जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपको आउटर हेयर ये आउटो अकोस्टिक एमिशन मिल रही है, लाइक ये पॉजिटिव आ रही है, लाइक आपकी बिल्कुल ठीक आ रहा है, लेकिन फिर भी आप डिटेक्ट करते हैं, आप ये सस्पेक्ट करते हैं कि हेयरिंग लॉस है बच्चे को, तो फिर वो नर्व का मसला हो सकता है। ठीक है, तो इससे हम ये दोनों बातें कर सकते हैं डिटेक्ट कि इधर मसला कहाँ पर है और मसला है या नहीं है। तो ये एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, बहुत अच्छा है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा, इसको अच्छे से समझना, ये बहुत पूछते हैं। दूसरा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होता है आपका ABR, विच स्टैंड फॉर ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। ठीक है, अब ये क्या कर रहे हैं कि इसमें आपका हम कर रहे हैं कि उसी तरह साउंड्स एक दे रहे हैं पेशेंट को, अपने बच्चे को जो भी हमारा डिटेक्ट करना है जिसको, और वो साउंड हम उसकी जो साउंड की वेव्स जनरेट होती हैं उनको हमने डिटेक्ट करना है इलेक्ट्रोड से, और वो इलेक्ट्रोड हमने प्लेस करना है स्कल पे। ठीक है जी, उस साउंड की वजह से आपको पता है इसमें हम अब क्या देख रहे हैं, इसका नाम ही बता रहे हैं ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स। इसमें अब हम पूरे रास्ते का हमें पता चल जाएगा कि जब हमारी साउंड जाएगी, साउंड एक्सटर्नल ईयर से जाती है, मिडल ईयर से जाती है, इनर ईयर में पहुंचती है, इनर ईयर में इनर आउटर हेयर सेल्स एक्टिवेट होते हैं, वहाँ से 8th नर्व के थ्रू साउंड चली जाती है टू द 8th नर्व न्यूक्लियस। 8th नर्व न्यूक्लियस पड़ा हुआ है आपकी ब्रेन स्टेम में यानी पोन्स में, वहाँ से रिस्पॉन्स वापस होकर आता है। तो इस ब्रेन स्टेम में ये सारी एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है, जब जब नर्व इम्पल्सिस जनरेट होती हैं तो आपके पूरे ब्रेन सिस्टम में एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है। तो बेसिकली अगर ये सारा प्रोसेस नॉर्मल है, तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हम जब स्कल पे पेशेंट के एक इलेक्ट्रोड रखेंगे तो उससे डिटेक्ट हो जानी चाहिए। तो हम ABR में यही करते हैं कि हम एक नॉर्मल साउंड देते हैं और हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है कि नहीं हो रही, वो इलेक्ट्रोड को स्कल पे यानी स्कैल्प पे रख के चेक करते हैं कि आइदर इट इज़ वर्किंग और नॉट। अगर आपकी हो रही होगी तो आपका इलेक्ट्रोड पे पता चल जाएगा, नहीं हो रही होगी तो वो नहीं पता चलेगा। इसमें हम ये देखते हैं कि आपको एक चीज़ बार बार लिखी हुई नजर आएगी आपके सारे में, जिस तरह मैं आपको बता रही हूँ ABR में हम देखते हैं कि 35 decibels NHL, ठीक है, ये आपको इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा कि 35 decibels NHL की हम अगर देखते हैं कि इतना बच्चा सुन सकता है तो वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। तो डेसिबल NHL स्टैंड फॉर डेसिबल्स अबव नॉर्मल हेयरिंग लेवल, या फिर डेसिबल्स अबव नॉर्मल एडल्ट हेयरिंग लेवल, कि 35 decibels नॉर्मल हेयरिंग लेवल से ऊपर अगर वो सुन लेता है या फिर उतने तक उसकी साउंड रेंज है तो उसको हम कहते हैं कि नॉर्मल है। लेकिन वो अगर 35 decibels भी नॉर्मल हेयरिंग लेवल से ऊपर नहीं सुन सकता तो फिर वो नॉर्मल हेयरिंग वाला बच्चा नहीं होता। ठीक है, तो डेसिबल्स NHL, ये आपने यूनिट याद रखना, इट स्टैंड फॉर डेसिबल्स अबव नॉर्मल हेयरिंग लेवल। ये हो गया आपके स्क्रीनिंग टेस्ट। अगले होते हैं आपके इसके बाद हमारे पास स्क्रीनिंग टेस्ट में दो टेस्ट और होते हैं, अराउजल टेस्ट होता है। एक अराउजल टेस्ट में हम सिंपली क्या करते हैं कि एक बहुत हाई फ्रिक्वेंसी नॉइज़ जो है ना 2 सेकंड के लिए बच्चे के कान में डालते हैं, लाइक उसके पास जनरेट करते हैं, तो उसको जाग जाना चाहिए, या फिर उससे अगर वो सो रहा है हल्की नींद में है तो उसे उससे जाग जाना चाहिए। ठीक है, ये अराउजल टेस्ट होता है। अगर वो नहीं जाग रहा इसका मतलब है कि कोई ना कोई मसला है। और दूसरा होता है हमारे पास ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल। ठीक है, ऑडिटरी रिस्पॉन्स क्रेडल आपकी नहीं होती, जिस तरह क्रेडल का मतलब होता है वो जो आपकी कॉट सी होती है, एक लाइक एक बच्चे को लिटाने के लिए जो चीज़ नहीं होती, कॉट सी जो बनी होती है, क्रेडल उस टाइप की को कहते हैं। ये स्पेसिफिक किस्म की होती है, इसमें बच्चे को लिटाते हैं और इसके आसपास लगे हुए होते हैं ट्रांसड्यूसर्स। होता क्या है इसमें कि जब अब बच्चे को एक ऑडिटरी स्टिमुलस देते हैं तो उसकी जितनी भी उसके रिस्पॉन्स में मूवमेंट्स हो रही होती हैं, लाइक अगर कोई ट्रंक की मूवमेंट होती है, कोई लिम्ब की मूवमेंट होती है, कोई हेड की मूवमेंट होती है, कुछ भी होता है उस रिस्पॉन्स के रिजल्ट में, सॉरी उस साउंड के रिजल्ट में, तो वो आपके ट्रांसड्यूसर्स जो लगे हुए होते हैं वो डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसको हम क्रेडल जो है ये भी एक स्क्रीन टेस्ट का पार्ट है, लेकिन ये दो जो है मेन है, इनको अपने अपने जहन में पक्का पक्का बिठा के रखना है। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट हो गया आपके। फिर आता है आपका बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री।
ओके जी, तो अब हमारे पास जो अगला मैं आपको बताई थी दैट इज़ बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री। इसमें हमारे पास आपने बिहेवियरल चेंजेस देखने, बहुत सिंपल सा है और ये 6 महीने से छोटे बच्चों में जो स्क्रीनिंग टेस्ट है वो तो आप किसी भी एज में अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो आपके पहले दो वो थे ऑटो एकॉस्टिक कंडीशन और ऑडिटरी ब्रेन स्टेम जो रिस्पॉन्स था वो आप किसी भी एज में कर सकते हैं। इन्फेंट्स छोटों में सबसे अच्छी बात होती है, लेकिन ये जो बिहेवियर ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री ये मेनली आप 6 महीने से छोटे बच्चे जो होते हैं ना 6 मंथ से यंगर उनमें करते हैं। इसमें क्या होता है आपको पता है कि बच्चों को जब हम छोटे बच्चे जो बहुत होते हैं जब वो सो रहे होते हैं, जाहिर वो मोस्टली स्लीपिंग कंडीशन होते हैं, उन्हें जब हम कोई साउंड देते हैं किसी भी इंटेंसिटी की होती है, अगर मतलब उन्हें सुनाई दे रही है तो वो या तो उससे कोई ना कोई रिस्पॉन्स शो करेंगे, या तो वो ब्लिंक करेंगे, या फिर वो हेड स्ट्रेच करेंगे, या लिम मूवमेंट होगी, कुछ भी होगी, तो हमने वही देखना है। इसमें हमारे पास कुछ रिफ्लेक्सेस के नाम है, मोरोज रिफ्लेक्स है कि अगर हम साउंड दें पेशेंट बच्चे के कान में कोई साउंड स्टिमुलस दें, उससे अगर वो अपनी या तो सर की मूवमेंट करे हेड की, या फिर लिम्ब की मूवमेंट यानी लिम्ब या हेड की एक्सटेंशन करे, और जो साउंड है वो 80 से 90 डेसिबल हो, बिकॉज एक सोते हुए बच्चे के लिए 80-90 डेसिबल साउंड बहुत ऊंची होती है और काफ़ी होती है उसे जगाने के लिए। तो अगर वो उसके रिस्पॉन्स में अपने लिम्ब एक्सटेंशन या हेड एक्सटेंशन करेगी तो वो मोरोज रिफ्लेक्स ठीक है और बच्चा सुन सकते हैं, मतलब एक है कि ठीक लग रहा है हमें। दूसरा होता है कि अगर हम इतनी ही साउंड दें 80-90 डेसिबल और उसके रिस्पॉन्स में बच्चा ब्लिंक करे, लाइक उसकी आंखें खोल के फौरन ब्लिंक करे, कॉक्लियो पैल्पेब्रल रिफ्लेक्स, कॉक्लियो से कान है एंड पेल्पेब्रल से आपकी आईलिड्स है, तो अगर वो ब्लिंक करता है उसके रिस्पॉन्स में तो मतलब दिस इज पॉजिटिव, यानी ये ठीक है, कॉक्लियो पेल्पेब्रल रिफ्लेक्स इज नॉर्मल। और तीसरा होता है कि अगर इतनी ऊंची साउंड पे बच्चे को दी गई 80 से 90 डेसिबल की, तो अगर वो जाग रहे और अपनी कोई एक्टिविटी कर रहा है, लाइक वो जाग रहे, देख रहे, इधर उधर या हल्का फुल्का खेल रहे, जो भी कर रहे, वो अचानक से वो अपनी एक्टिविटी रोक दे और रोना शुरू कर दे, इनमें से अगर रोके हाली और सुनना शुरू कर दे, आवाज़ की तरफ ध्यान दे दे, या फिर रोना शुरू कर दे, तो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज सेसेशन रिफ्लेक्स, ठीक है, कि उसने अपनी एक्टिविटी छोड़ दी है। तो ये हमारे पास होती है बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री में आती है जो टेक्निक्स, बाकी मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ। अभी तक कोई मसला हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू।